नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0 पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए मैथ्स का टेस्ट पेपर नंबर 3 लेकर आए हैं। सारे क्वेश्चंस SSC और रेलवे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो प्रिपरेशन बहुत अच्छी करिएगा। बेस्ट ऑफ लक चैंप आपके लिए कि ये सेशन काफी अच्छा रहे आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आंसर देना है आपके लिए। एक दुकानदार 1 रुपए में 25 चॉकलेट खरीदता है और वह कितने रुपए में वह चॉकलेट बेचे कि उसको 25% का लाभ प्राप्त हो। तो यानी कि दुकानदार कितने रुपए की, 1 रुपए की 25 चॉकलेट खरीदता है। तो 1 रुपए में 25 चॉकलेट खरीदता है तो 1 चॉकलेट कितने रुपए की खरीदेगा, 1/25 रुपए की। अब इन्हीं चॉकलेट को उसके लिए 25% लाभ, मतलब 100 रुपए में 25 रुपए ज्यादा, मतलब 25% लाभ, तो 125 के 25% लाभ में बेचना है तो वह कितने रुपए की चॉकलेट बेचेगा। तो इस तरीके से आप इसको क्वेश्चंस पढ़ते हुए जमा देंगे। अब इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने पर आप प्राप्त करेंगे 25 एकम 25, 25 पंचे 125, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 का 0, यानी कि 1 रुपए की 20 चॉकलेट। 1 रुपए में 25 चॉकलेट खरीदता है, अगर वो 1 रुपए की 20 चॉकलेट खरीदे तो उसको 25% का लाभ हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन था। आपको अगर क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो वीडियो पीछे करके देख लीजिए। बाकी अगर आप खुद भी सॉल्व करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पुश करके सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये रहा आपके सामने, बात हो रही है नाव और बहाव की। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाव की और बहाव की चाल 38 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की और बहाव और नाव की चाल 38 किलोमीटर प्रति घंटा है। बहाव के विरुद्ध नाव की चाल 20 किलोमीटर घंटा है। तो नाव और बहाव की चाल क्या होगी, तो यहां पर आपको सॉल्व करना है। तो आप इसको पहले तो नाव और बहाव को एक एक ऑप्शन दे दीजिए कि क्या आप मानेंगे। तो बहाव क्या हो जाएगा आपका एक्स और नाव क्या हो जाएगा आपका वाई। तो यहां पर नाव और बहाव की एक ही दिशा में चाल, मतलब प्लस होगा। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, 38 है। एक्स प्लस वाई बराबर 38 है और विरुद्ध चाल कितनी है, एक्स माइनस वाई बराबर कितनी है, 20 है। अब इसको आप सॉल्व करिए। y से y कट जाएगा, 2x बराबर 38 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 38 में से 20 जाएगा तो 18 बचेगा। 2 से 18 कट गए, 2 एकम 2, 2 इनाम 18, x बराबर कितना आ जाएगा, तो 9 बराबर, x बराबर 9 आ जाएगा। अब यहां पर नाव की चाल और बहाव की चाल 38 है तो किसी भी एक समीकरण में आप इसको x का मान पुट कर दीजिए। तो 9 धन y बराबर 38, नाव और बहाव की चाल कितनी है, 38, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 38 माइनस 9, तो y बराबर क्या वैल्यू आएगी, y बराबर आपकी वैल्यू आ जाएगी 29, 30 कम 1। तो आपने क्या नाव की चाल भी ज्ञात कर ली और बहाव की चाल भी ज्ञात कर ली। इस प्रकार आपने x का भी मान निकाल लिया और y का भी मान निकाल लिया। तो ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। आप अगर अपनी मेथड से करना चाहते तो आप अपनी मेथड से भी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर मैं आपके लिए टेस्ट पेपर में सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट इसीलिए करा रहा हूं कि कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनसे वीडियो के क्वेश्चंस बनते नहीं हैं। तो अगर आपसे बनते तो आप वीडियो पुश करके क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर वीडियो चालू करिए, तो आपको डायरेक्ट आंसर मेरा भी पता चल जाएगा, पता भी चल जाएगा कि आपका आंसर क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो एक समचतुर्भुज के 2 विकर्ण क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल, भुजा और परिमाप ज्ञात करना। यहां पर आपके लिए 3 चीजें ज्ञात करनी है, क्षेत्रफल, भुजा और परिमाप। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज क्या होता है। तो समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, समचतुर्भुज कहलाएगा। अब इसका एक विकर्ण दिया है 8 सेंटीमीटर, एक विकर्ण दिया है 6 सेंटीमीटर। अब 8 को और 6 को जो विकर्ण क्रॉस करेंगे तो अगर आधे आधे में बांट देंगे तो 8 वाला क्या है, 4 इस तरफ हो जाएगा, 4 इस तरफ वाला हो जाएगा, 6 वाला 3 इस तरफ हो जाएगा, 3 इस तरफ वाला हो जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए यहां पर क्षेत्रफल, भुजा और परिमाप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समचतुर्भुज का सबसे पहले क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता होना चाहिए, 1/2 × d1 × d2, यानी कि विकर्ण नंबर 1 d1, विकर्ण नंबर 2 d2। इसको आप सॉल्व करिए। 1/2, एक विकर्ण क्या है 8, एक विकर्ण है क्या 6, 1/2 8 6 48। ये आपको डायरेक्ट आप इसको क्रॉस कर सकते हैं, आप इसके लिए एक प्रकार से डायरेक्ट क्रॉस कर दीजिए। मैं आपको बता देता हूं,
दो एकम दो, दो चौको आठ, चार छिंग 24। तो आपके लिए यहां पर क्या निकल के आ गया, क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल ये निकल के आ गया। अब उसके बाद आपको क्या ज्ञात करना है, भुजा। तो भुजा का सूत्र क्या होता है, तो भुजा के लिए आपके लिए सूत्र होता है अंडर रूट डी वन का स्क्वायर प्लस डी टू का स्क्वायर अपॉन टू। तो यहां पर डी वन क्या दिया हुआ है, डी वन आपका दिया हुआ है 8 और डी टू क्या दिया हुआ है 6। तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 अठैया 64, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 6 36 अपॉन टू। 64 और 36 को आप प्लस करेंगे तो क्या होगा, 100, 100 का वर्गमूल अपॉन 2। 100 किसका वर्गमूल है, 10 का है, 10 अपॉन 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो यानी कि भुजा कितनी निकल के आ गई, 5 सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा कितने सेंटीमीटर की हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर की प्रत्येक भुजा हो जाएगी सम चतुर्भुज की। हमारे लिए भुजा मिल गया, क्षेत्रफल मिल गया, अब हमारे लिए क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो परिमाप तो हमेशा एकदम सिंपल ही होता है, परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग है ना, जितनी भी भुजाएं किसी भी चीज का परिमाप निकालना है तो सबका योग कर दीजिए, परिमाप आ जाएगा। तो यहां पर चार भुजाएं हैं, एक भुजा में पता चल गई कि 5 सेंटीमीटर की है, तो 4 × 5 कर दीजिए, या 5 × 5 कर दीजिए, दोनों ही चीजों में आंसर वही आएगा, 5 × 20 5 × 10 = 15 = 20। तो परिमाप कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या निकाल लिया, यहां पर आपने क्षेत्रफल भी निकाल लिया, आपने भुजा भी निकाल ली, आपने परिमाप भी निकाल लिया। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ये RRB ALP CBT 2 का जो है क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 3.5 मीटर त्रिज्या वाला एक पहिया 11 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा। आपके लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक पहिया है जिसकी त्रिज्या दी हुई है 3.5 मीटर, ठीक है, और इसमें 11 किलोमीटर दूरी तय करने में ये कितने चक्कर लगाएगा। तो चक्कर कितने के बराबर लगाएगा, चक्कर अपने व्यास के बराबर लगाएगा, चक्कर कितने के बराबर लगाएगा, व्यास के बराबर लगाएगा। और व्यास आपका एक प्रकार से 11 किलोमीटर प्रति 11 किलोमीटर जो है आपका व्यास है, पूरी दूरी तय करने में लगेगा। तो यहां पर किलोमीटर को जो है आप मीटर में चेंज कर लीजिए, तो फॉर्मूला सॉल्व करने में आपको सही रहेगा। तो यहां पर फॉर्मूला क्या लगेगा, तो आपका डायमीटर तो दे दिया उसने 11 किलोमीटर, इसको चेंज कर लेंगे मीटर में, तो 11 × 1000 है ना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 11000 हो जाएगा। ठीक, अब इसको फॉर्मूले में सॉल्व करिए, 2πr n चक्कर लगाएगा और कितना चलेगा, 11000 चलेगा, n चक्कर, क्योंकि हमें पता नहीं है कितने चक्कर लगाएगा। अब यहां पर हमारे लिए पाई की वैल्यू हमें पता ही है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। आर की वैल्यू, त्रिज्या कितनी दी हुई है, 3.5 दी हुई है। अब आप इसको सॉल्व करिए, 2 × 22/7 × 3.5 इंटू एन अपॉन 1100। ठीक है, तो यहां पर आपने इसको सॉल्व किया। अब यहां पर पॉइंट है, तो आप इस पॉइंट को हटाकर नीचे दशमलव में 10 लिख सकते हैं, बटे 10 लिख सकते हैं। आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, चलिए मैं सॉल्व कर देता हूं, 2 × 2 2 × 5 = 10 7 × 7 7 × 35 है ना। इस प्रकार आप इसको सॉल्व करेंगे, यहां पर ये 22 है, 5 से 5 कट जाएगा, 5 × 5 5 × 5 11 × 2 = 22 11 × 11 तो 1000, यहां पे 2, अब 2 × 2 2 × 5 = 10 500 यानी कि 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 500 चक्कर लगाएगा पहिया, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आप वीडियो पुश करके भी अपनी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं भी जो सॉल्व कर रहा हूं आप इससे अच्छी मेथड जानते हैं तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अभी मैं आपके लिए टेस्ट डायरेक्ट करा रहा हूं, फिर मैं धीरे 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 पूरे हफ्ते भर के 10-10 क्वेश्चन 7 दिन के 70 क्वेश्चन का पूरा टेस्ट लूंगा, तो उस समय मैं आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं दूंगा ना, मैं सॉल्व करके बताऊंगा, सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो इसीलिए अच्छी तरीके से इसको समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। 8000 रुपए पर 12.5% सालाना ब्याज की दर से 2 साल में साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर क्या होगा। तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर का फॉर्मूला होना चाहिए,
तो यहां पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी आई माइनस एस आई बराबर पी प्रॉफिट, नहीं माम, ये जो आपका मूलधन है गुणित रेट, ठीक है, रेट का स्क्वायर अपॉन 100/100, ये आपका फॉर्मूला होता है साधारण वित्तीय, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के दो वर्ष का अंतर। अब इसमें आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहां पर पी कितना दिया हुआ है, पी बराबर दिया हुआ है 8000, पी कितना दिया हुआ है 8000, आर कितना दिया हुआ है 12.5। सॉल्व करें तो 8000, माफ करिएगा, 8000 इंटू आर स्क्वायर 12.5, आप 12.5 को 125/10 लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 लिख सकते हैं, 125/10, यानी कि दशमलव इसका भी हटा दिया हमने, ठीक है, अपॉन यहां पर तो 100 दो बार तो है ही, 100 इंटू 100, ये 10 इसी के साथ ही आएगा, 100 के साथ ही। अब इसको आप काट दीजिए, 2 0 2 0 1 0 1 0, ठीक है, तो यहां पर क्या बचा, 8 125 125, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, 25 5 125 25 64, 100, 4 एकम 4 4 दूनी 8, 5 एकम 5 5 दूनी 10, 2 से 2 क्या बचा, यहां पर, यहां पर सिर्फ 125 बचा, ये वाला 25 काट दिया है ना, यहां पर क्या बचा सिर्फ, तो यहां पर बचा हमारा 125। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 125 रुपए अंतर होगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, ठीक है। एक बार फिर समझा दूं मैं आपके लिए, तो यहां पर काटने वाला मैं बता देता हूं, देखिए 8000 12.5 को क्या लिख सकते हैं, 125/10 इंटू 125/10, आर स्क्वायर है तो इसीलिए नीचे 100 टू टाइम आ जाएगा, ठीक, 2 0 से 2 0 कटे, 1 0 से 1 0 कटा, 25 100 100, 25 5 125, ठीक, 4 एकम 4 4 दूनी 8, ठीक है, इस प्रकार से आप काटेंगे, 25 5 125 25 100 100, ठीक है, इसको आप ऐसे काटते हैं, कुछ गलत हो गया क्या, फिर से देखते हैं, ओके, एक बार फिर से चेक करते हैं, गलती तो होगी ही नहीं। सबसे ज़्यादा आपको केयरफुल रहना है गुणा भाग करने में, क्योंकि अगर ये आपसे बन गया तो सब बन गया, 8000 अपॉन 100 इंटू 100, दो बार 100, गुणे 125/10 गुणे 125/10, तो ये 10 और 10 मिलके क्या हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, 8000 गुणे 125 गुणे 125 अपॉन 100 गुणे 100 गुणे 100, 10 धाम 100, ये हो गया, ठीक है, 25 5 125 25 100 100, 25 5 125 25 100 100, ठीक है, 5 25 तो 25 एकम 25 25 100 100, अब यहाँ पर काटिए, 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2000 अपॉन 4 गुणे 4, 4 एकम 4 4 5 20, 500/4, 4 एकम 4 बचे कितना, 1, 4 दूनी 8 बचे 2, 4 5 20, ये लीजिए 125 रुपये, यहाँ पर आंसर आ गया। तो ये मैंने आपको काट के इसलिए बताया क्योंकि कई बार कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए थोड़ा सा इस मेथड में जो प्लस माइनस वगैरह है थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो आप भी थोड़ा कॉपरेट करिएगा, बाकी आप वीडियो आगे कर लिया करिए। ये देखिए एक बहुत ही सिंपल मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे, 98 * 97 को आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, इसका क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। आपके पास अपनी अपनी मेथड होगी, एक मेथड मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है आपको अच्छी लगे, ना भी अच्छी लगे तो आप अपनी मेथड से करिएगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपको देखना है 98 * 97, ठीक है, 98 100 से कितना कम है, तो 100 से 2 कम है, 97 100 से कितना कम है, 100 से 3 कम है, ठीक है,
तो इन दोनों का अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 6 आएगा मल्टीप्लाई, ठीक है मल्टीप्लाई 6 आएगा। अब मल्टीप्लाई सॉरी इन दोनों को आपने जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा तो 5 आएगा और मल्टीप्लाई किया तो आपका 6 आएगा। अब 100 में से 5 को माइनस करेंगे तो 95 आ जाएगा और ये 6 लिखा ही रहेगा, तो 9 5 6 इस प्रकार आपका ये आंसर आ जाएगा 956। 98 × 97 का मल्टीप्लीकेशन होगा। एक बार फिर 98 × 97 दोनों कितने कम हैं, तो ये 2 कम है और ये 3 कम है। दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, 6 आएगा। दोनों कितने कम होंगे 100 से, तो दोनों 100 दोनों को जोड़ के 100 में से घटाना कितना आएगा, 95 आ जाएगा। तो ये प्रकार तो आपका जो मल्टीप्लीकेशन रहेगा वो आपको लास्ट में लिखना है, दोनों को जोड़कर 100 से जितना कम आएगा वो आपको मल्टीप्लीकेशन के आगे लिखना है। तो 956 इसका आंसर वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यहां पर देखिए क्वेश्चन है आपसे, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:4 है, सबसे बड़े कोण की माप क्या होगी। तो आपको पता ही होगा 2x + 3x + 4x = कितने हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व करना है आपके लिए। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 2x + 3x + 5x + 4x = 9x = 180। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 9 × 9 = 9, 9 × 2 = 18। x = 20, सबसे बड़ा कोण क्या है, 4x, तो 4 × 20 = 4 × 8, 80 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की माप 80 होगी, उससे छोटे 3 × x, 3 × 20 = 2, 3 × 6 = 60 होगी, फिर 2x = 2 × 20 = कितने होगी, 40 होगी। तो इस प्रकार आपके छोटा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा कोण का माप ज्ञात हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 19:20 है और महत्तम समापवर्त 16 है। LCM 19:20 है, HCF 16 है, एक संख्या 128 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। तो पहली संख्या, एक संख्या हमें पता है 128 है, दूसरी संख्या हमें नहीं पता है। LCM क्या है, 19:20 है और HCF क्या है, 16 है। x यही रहेगा, 19:20 × 16/128। 4 से काट दीजिए, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, 4 × 6 = 16, 4 × 1 = 4, 4 × 8 = 32, 8 × 8 = 8, 8 × 2 = 16, बचे कितने 3, 8 × 6 = 32, 0। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 240, ये आपका दूसरा संख्या निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दो ट्रेनों की लंबाई 360 मीटर और 480 सेंटीमीटर है, यदि वो एक ही दिशा में जा रही हैं। एक ही दिशा में जाएंगी तो क्या होता है, एक ही दिशा में अगर जाती हैं तो माइनस होता है, ये तो आपको पता ही होगा। एक ही दिशा में अगर जाएंगी S1 - S2 बराबर, तो उनकी लेंथ और ट्रेन को पार करने में जा रही है, ट्रेन पूरी तरह से धीमी ट्रेन को पार करने में 42 सेकंड का समय लेती है। विपरीत दिशा में जा रही है तो वह दूसरे को पूरी तरह से 7 सेकंड में पार करती है, तो धीमी ट्रेन की गति ज्ञात करें। तो S1 - S2 एक ही दिशा में जा रही, तो स्पीड क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगी, तो L1 + L2। तो अब एक ही दिशा में जा रही तो 360 और उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई जुड़ जाएगी, तो 360 + 480 / कितना समय ले रही है पार करने में, 42 सेकंड का समय ले रही है, / 42। इसको आप सॉल्व करिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 840, 360 और 480 इसको जोड़ेंगे, 840 / 42। तो यहां पर आप इसको सॉल्व करेंगे, 42 × 84 तो 20, ठीक है। और फिर विपरीत दिशा में जब वो जाती है तो विपरीत दिशा में क्या होगा, विपरीत दिशा में जो है संख्याएं जुड़ जाएंगी, विपरीत दिशा में चलती है तो जुड़ जाएगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर S1 दूसरे पर चलते हैं, S1 + S2 = 480/7, 7 चौको, इस प्रकार आप इसको सॉल्व करेंगे।
7 * 7 = 7 = 21, 7 * 4 = 28, 7 * 4 = 28, 7 * 4 = 28, 7 * 4 = 28, 7 * 4 = 28, 7 * 4 = 28, 7 * 4 = 28, 7 * 4 = 28, 7 * 4 = 28, 7 * 4 = 28, 7 * 4 = 28, 7 * 4 = 28, 7 * 4 = 28, 7 * 4 = 28, 7 * 4 = 28, 7 * 4 = 28, 7 * 4 = 28, 7 * 4 = 28, 7 * 4 = 28, 7 * 4 = 28, 7 * 4 = 28, 7 * 4 = 28, 7 * 4 = 28, 7 * 4 = 28, 7 * 4 = 28, 7 * 4 = 28, 7 * 4 = 28, 7 * 4 = 28, 7 * 4 = 28, 7 * 4 = 28, 7 * 4 = 28, 7 * 4 = 28, 7 * 4 = 28, 7
प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है एस वन माइनस एस टू क्या हो जाएगा 20, और एस वन प्लस एस टू बराबर 120 हो जाएगा। इसको आप काट देंगे तो यहां पर 2s1 बराबर 140, तो s1 बराबर कितना हो जाएगा 70, s1 बराबर 70 हो जाएगा। तो आप इसको इसमें फॉर्मूले में पुट करके किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो s1 बराबर 70 प्लस s2 बराबर 120, s2 बराबर 120 माइनस 70, तो आप इसको ज्ञात करेंगे तो s2 बराबर 50, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। धीमे गति से ट्रेन प्राप्त, तो 7 सेकंड में पूरी तरीके से, तो धीमी ट्रेन की गति क्या होगी, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी ट्रेन की गति हो जाएगी। एक की 70 है, एक की 50 है, तो धीमी वाली कितनी 50 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है? तो ये तो आपके लिए याद रखने पड़ेंगे, कॉस टेन और सेक ये सब की वैल्यू डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, आपको बताना है कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है। कॉट 60 डिग्री थीटा की वैल्यू क्या होगी? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर शेयर करिए। कैसा लगा सेशन, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। जो भी आपका आंसर है, गलत है या सही है, बताइए, जिससे पता भी तो चले कि आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लें। दोस्तों, सभी चैनल पर या सभी जगह आपके लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट मैथ्स की क्लास मिलती होगी, लेकिन हम आपके लिए मिक्स मैथ्स पढ़ाएंगे जो एक प्रकार से एग्जाम ओरिएंटेड है, क्योंकि एग्जाम में मिक्स क्वेश्चन आते हैं। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, हम पर डे टेस्ट सीरीज लेकर आते हैं, ये टेस्ट सीरीज जरूर देखा करें, सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको बिल्कुल भी टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आप सभी से, तब तक के लिए जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद।